आज संध्या के इस सत्संग में आए हुए सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु के नाम में मेरा नमस्कार। हम लोग पिछले 3 हफ्ते से प्रभु के वचन के जो आधारभूत मतलब मुख्य जो नींव के रूप में हैं ऐसी शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। 3 हफ्ते पहले हमने मनुष्य की सृष्टि और मनुष्य के पतन के बारे में प्रभु के वचन से देखा। उसके बाद हमने पाप का क्या फल है ये देखा और ये भी देखा कि मनुष्य किसी भी तरह से अपने स्वयं का बचाव नहीं कर सकता है। पिछले हफ्ते प्रभु के वचन से हमने ये देखा कि किस तरह से पापी मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए सदा सर्वदा के लिए शाश्वत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु संसार में पधारे। और पिछले हफ्ते बाइबल के उत्तरार्ध या नए नियम के 4th पुस्तक यूहन्ना नामक पुस्तक से हमने इस बात का बड़े विस्तार से अध्ययन किया था कि किस तरह से जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वो प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा एक नया जन्म भी पा सकता है, पाना चाहिए, और बिना इस नए जन्म को पाए हुए उसका जीवन सार्थक नहीं है। और जब तक वो इस नए जीवन को नहीं पा लेता तब तक उसके भविष्य के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि वो उद्धार पाएगा। बल्कि प्रभु के स्वयं के शब्दों में कहा जाए तो जिसने भी अपने जीवन में ये नया जन्म या उद्धार नहीं पाया है वो शाश्वत जीवन के बदले शाश्वत मृत्यु की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है। प्रभु के वचन से हमने ये भी देखा था कि मनुष्य स्वयं के प्रयत्न से शाश्वत जीवन नहीं पा सकता है। प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन मनुष्य के पापों की सजा अपने ऊपर उठा लेने के लिए और उसका प्रायश्चित करने के लिए प्रभु ने सूली पर मृत्यु सह ली थी। प्रभु की सूली की मृत्यु के कारण हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं या प्रभु के सूली पर की मृत्यु पर विश्वास करते हैं तब हमको ये नया जीवन मिलता है। अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया और जिसने ये नया जीवन पा लिया वो उस नए जीवन को पाने के बाद 10, 20, 30, 50, 60 या 70 या 80 साल तक इस संसार में जीवन बिताता है। लेकिन जब वो इस तरह से जीवन बिताता है तो उसे तमाम तरह की परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तमाम तरह के मोह माया से संघर्ष करना पड़ता है। ये चीज़ें लगातार उसको मोह में डालती हैं कि वो प्रभु के रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर जाए। मनुष्य की आँख हमेशा उसको लुभाती रहती है ऐसी चीज़ें देखने के लिए जो उसे नहीं देखनी चाहिए। मनुष्य का मन हमेशा उसे लुभाता रहता है इस तरह की चीज़ों को सोचने के लिए जो उसे सोचना नहीं चाहिए। और मनुष्य का मुंह तो एक ऐसी बला है जो उसको ऐसी बातें बोलने के लिए प्रेरित करता है जो उसके मुंह से नहीं आनी चाहिए। और मनुष्य के कर्म, हर व्यक्ति अच्छे कर्म सत्कर्म करना चाहता है लेकिन आज इस संध्या सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं उनमें से इस तरह कोई भाई या बहन है क्या जो हाथ उठा के कह सके कि शास्त्री सर हाँ आप सही कह रहे हैं, मनुष्य को सिर्फ सत्कर्म करना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में सिर्फ सत्कर्म ही सत्कर्म किया है, सिर्फ अच्छे कार्य किए हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो खड़े होकर इस तरह से गवाही दे सकता है? कम से कम मैं तो नहीं कह सकता। और मेरा अनुमान है कि आप में से कोई भी व्यक्ति खड़े होकर इस तरह की अनहोनी बात कहने की कोशिश नहीं करेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, ये सच है। हमको एक नया जीवन मिल गया है, ये सच है। लेकिन यह सच्चाई का सिर्फ एक पहलू है, उसका एक दूसरा पहलू है। और वो दूसरा पहलू है कि हम इस संसार में जब तक हैं तब तक हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव है वो हमको बार बार सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर जाने के लिए आकर्षित करता रहता है। दुनिया में कई बार सत्कर्म महंगा पड़ जाता है, जबकि बुराई करो तो कई बार एकदम से उसका फल हमको अच्छा लगने लगता है। अच्छा होता नहीं है, अच्छा लगने लगता है। इस कारण संसार में हमारा जीवन पूर्ण रूप से सत्कर्मों से भरा हुआ नहीं होता है। इस कारण हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न ये है कि आज से महीने भर पहले या साल भर पहले या 10 साल पहले मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, और जब मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था तब मेरा जीवन उत्साह से भरा हुआ था, जीवन में एक नई उमंग थी, मैं प्रभु का वचन रोज पढ़ता था, सुबह भी पढ़ता था, शाम को भी पढ़ता था, जितना पढ़ता था उसके बावजूद मुझे संतृप्ति सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, फिर भी इच्छा होती थी कि पढ़ते रहो प्रभु के वचन को। जब भी समय मिलता था मैं प्रार्थना करता था, फिर भी सेटिस्फैक्शन संतुष्टि नहीं होती थी, इच्छा होती थी कि और प्रार्थना करो। 4 लोगों को प्रभु के बारे में बताता था लेकिन मन को संतुष्टि नहीं होती थी, लगता था कि एक दिन मैं सिर्फ 4 को ही बता पाया, कम से कम मैं यदि 40 को बता पाता तो कितना अच्छा होता। प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया है उसमें से एक हिस्सा मैं प्रभु को देता था, लेकिन मन में लगता था कि और दो और दो। लेकिन आप कहेंगे उस घटना के 1 महीने 1 साल या 10 साल के बाद मेरी स्थिति यह है कि मैं ठंडा पड़ गया हूँ, ना तो उतनी देर प्रार्थना कर पाता हूँ, ना उतनी देर प्रभु का वचन पढ़ पाता हूँ, ना ही उतने उत्साह से दूसरों को प्रभु के बारे में बता पाता हूँ, ना ही उतने उत्साह के साथ मैं पवित्र जीवन बिता पाता हूँ। कुछ और हैं वो तो उससे एक कदम आगे बढ़ के वो तो ये भी कहेंगे कि शास्त्री सर ठंडे हो गए वो तो छोड़िए, आजकल हमारे दोस्त यार लोगों के कारण हम तो ऐसे कर्म करने लगे हैं जिसके बारे में हमें खुद लज्जा आती है। ऐसा होता है क्या? जी हाँ, ऐसा हम सबके साथ होता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि कल को मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके एक नया जीवन पाया था, आज मैं उसके विपरीत कार्य कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नया जीवन मेरे हाथ से छूट गया हो या छूट जाए? ये प्रश्न हर एक के मन में आता है। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, और जब ग्रहण किया तब बहुत उत्साह के साथ आत्मिक जीवन बिताता था, आज मेरा आत्मिक जीवन ठंडा हो गया है। ना केवल ठंडा हो गया है, आत्मिक जीवन में मैं ऐसे कार्य भी करने लगा हूँ जो मेरे लिए उचित नहीं है। इस कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मुझे जो नया जीवन दिया वो मेरे हाथ से खो जाए? ये एक सही प्रश्न है, ये एक अच्छा प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम में से हर व्यक्ति को अपने आप से पूछ लेना चाहिए। इसके बारे में प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें कही थीं।
नए नियम के उत्तरार्ध में जो चौथी पुस्तक है जिसका नाम है यूहन्ना, यूहन्ना प्रभु यीशु के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, उनकी पुस्तक के छठे अध्याय को खोल लीजिए। आप लोगों की बाइबल में नए नियम में पेज 139, पेज 139 पर 35वें पद में प्रभु इसकी एक रूपरेखा देते हैं। एक्चुअली ये जो छठा अध्याय है इसमें प्रभु ने बहुत सारी बातें कही हैं, इनमें से सिर्फ आवश्यक बातें आज हम देखेंगे। छठे अध्याय के 35वें पद में हम देखते हैं यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यहां किस रोटी की बात हो रही है, किस भूख की बात हो रही है, किस प्यास की बात हो रही है, ये जरा हमको समझ लेना चाहिए। यहां प्रभु आलंकारिक भाषा में मेरे और आपके आत्मिक जीवन में जो आत्मिक भूख है, जो आत्मिक प्यास है, उसकी बात कह रहे हैं। आत्मिक भूख से क्या मतलब, आत्मिक प्यास से क्या मतलब? हम में से हर व्यक्ति जब वो अपने जीवन में परिपक्व हो जाता है, जब वो अपने स्वयं के भूतकाल के बारे में, वर्तमान काल के बारे में और भविष्य के बारे में सोचने लगता है, तो हर व्यक्ति अपने आप इस बात को समझ जाता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति आंख खोल के अपने आसपास देखता है और उससे ये बात समझ लेता है कि जो भी आया है वो जाएगा, और इस कारण जाने से पहले मुझे अपने जीवन में क्या करना है इसके बारे में एक भूख और एक प्यास हमारे जीवन में होती है। जब हम प्रभु यीशु के पास जाकर प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तब ये भूख मिट जाती है, ये प्यास मिट जाती है। क्यों? इसलिए कि जब हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तब प्रभु हमको मुक्ति देते हैं, इसीलिए तो उनको मुक्तिदाता, मुक्ति का देने वाला कहा जाता है। जब मुक्तिदाता के पास जाकर हम याचना करते हैं तब प्रभु हमको मुक्ति दान देते हैं, दाता दान देता है, दान देते हैं। उसके साथ साथ मेरे आपके आत्मिक जीवन में मुक्ति के लिए जो भूख है, मुक्ति के लिए जो प्यास है, वो मिट जाती है। और एक बार जब मुक्ति के लिए वो भूख और प्यास मिट जाए तो प्रभु यीशु की स्वयं की वाणी है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास है आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। इसका क्या मतलब? जिस आत्मिक भूख और प्यास के साथ हम प्रभु के पास मुक्ति के लिए जाते हैं, जब प्रभु से हमारी मुलाकात हो जाती है, तो प्रभु के द्वारा हमारी भूख और हमारी प्यास तृप्त हो जाती है, हमको उद्धार मिल जाता है, उसके बाद वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि उसको जो उद्धार, जो मुक्ति मुक्तिदाता ने दी है, वो मुक्ति उससे कभी छीनी नहीं जाएगी, उससे कभी ले नहीं ली जाएगी। जब प्रभु देते हैं तो दुनिया के दाताओं के समान नहीं हैं, प्रभु जब देते हैं तो सदा सर्वदा के लिए मुक्ति दान देते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पास आएगा, जीवन की रोटी को ग्रहण करेगा, वो फिर कभी भूखा नहीं होगा, फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। इस कारण यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके मुक्ति पाई है या उद्धार पाया है, तो वो उद्धार सदा सर्वदा आपके लिए है। अब आप कभी भूखे नहीं होंगे, अब आप कभी भी प्यासे नहीं होंगे। इसके बारे में प्रभु ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं, जैसे
39 पद में, अभी हमने 35 पद को पढ़ा था, उससे तीन चार पद के बाद 39 पद में हम देखते हैं, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, मतलब मैं और आप जो प्रभु के पास जाकर जिन्होंने उद्धार पाया है उनमें से कुछ भी ना खोऊं। प्रभु बार बार हमको एक उदाहरण देते हैं। प्रभु ने बार बार अपनी शिक्षाओं में कहा था, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, तुम मेरी भेड़ हो। आजकल चरवाहे और भेड़, खासकर आजकल अपन जिस तरह से शहरों में जी रहे हैं, यहाँ नहीं दिखते हैं, लेकिन हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी गांव से आया है, और अभी भी गांव में चरवाहे भी होते हैं, भेड़ें भी होती हैं, और अपन सब ने चरवाहे भी देखे हैं, भेड़ें भी देखी हैं। और ये बात अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि भेड़ एक पूरी तरह से असहाय जानवर है, उसको चरवाहे के पूर्ण सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अच्छे चरवाहे हमेशा अपने साथ एक आध लाठी रखते हैं। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु ने ये बात कही थी, तब तो चरवाहे बड़ी लंबी लाठी रखते थे, तब तो जंगली जानवर बहुत होते थे। आजकल शहरी जीवन बढ़ गया है, इसलिए अब तो गाँव में जंगली जानवर ना के बराबर है, फिर भी लाठी जरूर रखते हैं। तो प्रभु ने जो कहा, मैंने जो दिया है, प्रभु की इच्छा है कि उसमें से कोई ना खोए, इसका क्या मतलब है? भेड़ एक ऐसा जीव है जिसको ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ जाना है, इस कारण कई बार भेड़ रास्ता भटक जाती है, उसके बाद वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु के कहने का मतलब है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, तुमको एक भेड़ के रूप में पालन पोषण के लिए पिता परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है, और जब मेरे हाथ में दिया तो मैंने मुक्ति देकर तुमको अपनी संतान बनाया, अपनी भेड़ बनाया, अब तुम कभी मेरे हाथ से खो नहीं जाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खूं। इसके अलावा प्रभु ने एक बात और कही है जो अगले पद में हम देखते हैं, 40वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, मतलब प्रभु यीशु को देखे, और पुत्र पर विश्वास करे, मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वो शाश्वत जीवन पाए या अनंत जीवन पाए। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कभी अंत ना हो, और मैं उसे अंतिम दिन फिर पुनर्जीवित कर दूंगा, जिला उठाऊंगा, मतलब है पुनर्जीवित कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, आज इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, इनमें से ऐसे कई भाई और बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, और जिस क्षण उन्होंने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, उस क्षण से उनके जीवन में वो मुक्ति आई और उस मुक्ति की खुशी है। लेकिन जो भी इस संसार में आया है उसको जाना तो पड़ेगा, लेकिन जब हम इस संसार को छोड़ जाएंगे, उसके एक निश्चित समय के बाद जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण किया था वो पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। प्रभु का वचन इसके बारे में बहुत स्पष्टतया कहता है। ये बातें हम कुछ और हफ्तों के बाद और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से प्रभु, जो आज से 2000 साल पहले आसमानी बादलों में उठा लिए गए थे, वैसे ही प्रभु वापस आएंगे। प्रभु ने स्वयं कहा था कि मैं वापस आऊँगा, प्रभु ने उसका कारण भी बताया था, मैं इसलिए वापस आऊंगा कि जहां मैं हूं तुम भी वहां आ सको। जिस क्षण प्रभु वापस आएंगे, उस क्षण प्रभु के जितने बच्चे जिन्होंने मुक्ति पाई है, जो लोग इस संसार में होंगे उनका रूपांतर हो जाएगा। ये जो नश्वर शरीर है इसको छोड़ देंगे, इसके बदले हमको एक अनश्वर शरीर मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक और बात होगी, प्रभु के आने के पहले, प्रभु में विश्वास करके जितने लोग
चले गए वे सब पुनर्जीवित हो जाएंगे, उन सबको भी वही नश्वर शरीर दिया जाएगा जो मुझे आपको दिया जाएगा। ये बात है जो प्रभु ने यहाँ कही है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा या पुनर्जीवित करूंगा का मतलब है, देखो मेरे बच्चों तुम में से बहुत लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, विश्वास करने के बाद तुम में से कई लोग गुजर जाओगे, मैं अभी जा रहा हूँ, जाने के कुछ हजार साल बाद मैं वापस आऊँगा, जब मैं वापस आऊँगा तब मेरे काफ़ी सारे बच्चे संसार में होंगे, उन सबका क्षण भर में रूपांतर हो जाएगा, नश्वर शरीर के बदले अनश्वर जो कभी भी नाश ना हो अनश्वर शरीर उनको दे दिया जाएगा, रूपांतर हो जाएगा, प्लस उसके साथ साथ एक अद्भुत घटना होगी मेरे बच्चों, वो अद्भुत घटना क्या है, मेरे वापस आने तक पिछले हजारों सालों में जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास करके ये मुक्ति पाई थी और उसके बाद इस संसार से गुजर गए, सब लोग पुनर्जीवित हो जाएंगे और सबको यही रूपांतरित शरीर दिया जाएगा। इस तरह से प्रभु यीशु पर जिन लोगों ने विश्वास किया है वे लोग रूपांतर प्राप्त करके एक अनश्वर शरीर प्राप्त करके एक बहुत बड़ा समूह होगा जो सदा सर्वदा प्रभु के साथ उस शरीर में रहेगा। यह है प्रभु के कहने का मतलब। आप कहेंगे शास्त्री सर ये तो बड़ी अद्भुत बात है, लेकिन एक बात है मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने जीवन में यदि विश्वस्त ना रहूं, मैं इस संसार में रहता हूं, चार लोगों के बीच में रहता हूं, उनके बीच में झगड़े टंटे होते रहते हैं, गाली गलौच होता रहता है, दुनिया भर की बुराइयां होती रहती हैं, मेरे विरुद्ध भी वो लोग बुराई करते हैं, कई बार ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा होती है, नौ बार अपने मन पर नियंत्रण रखता हूँ लेकिन दसवीं बार मैं अपना नियंत्रण खो देता हूँ, एक बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो अगली बार ईंट का जवाब गोली से देने की इच्छा होती है, तो ऐसे में क्या मेरा जीवन सुरक्षित है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम में से हरेक के सामने है। और आज जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि प्रभु ने मुझे और आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा जो नया जीवन दिया, ये जीवन सुरक्षित है या हमारे हाथ से खो जाएगा, ये उस सिक्के के समान है क्या जो मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में दिया, मुट्ठी मीच के मैं उस सिक्के को लेके चल रहा हूँ, अनजाने किसी चींटी ने काट लिया, मैं भूल गया था कि सिक्का मेरे हाथ में है, चींटी पे हाथ लगाया, हाथ खुला, वो सिक्का हाथ से निकला, जमीन पे गिरा, पुल पे खड़ा था, पुल से वो नदी में गिर गया, सदा सर्वदा के लिए वो सिक्का मेरे हाथ से खो गया। आप पूछेंगे कि सर ये जो मुक्ति प्रभु ने दी है ये उस सिक्के के समान है क्या जिसे जिंदगी भर मुझे अपने जीवन में पकड़े रहना पड़े, कहीं मेरे हाथ से खो ना जाए? नहीं, ये उस सिक्के के समान नहीं है। प्रभु जब देते हैं तो मनुष्य के हिसाब से नहीं देते हैं, प्रभु देते हैं तो वो सदा सर्वदा के लिए देते हैं, इसीलिए उसका नाम शाश्वत जीवन है। प्रभु ने मुझे आपको जो दिया है वो हमारे हाथ की रेखाओं के समान है, हमारे हाथ की रेखाओं को लेकर अपन पैदा होते हैं, ये रेखाएं मिट ना जाए उसके लिए अपने को हमेशा मुट्ठी बांध के रखनी पड़ती है क्या? जी नहीं, जिन रेखाओं को लेकर हम पैदा हुए हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। एकदम से परफेक्ट उदाहरण नहीं है लेकिन एक अच्छा उदाहरण है कि हमारे हाथ की रेखाएं खो ना जाएं इसके लिए हमें मुट्ठी बांध के नहीं रखनी पड़ती है, वो तो प्रभु ने हमारे हाथ पर छाप दे दी है। उसी तरह से प्रभु ने मुझे और आपको जो मुक्ति दी है, जो उद्धार दिया है, उसको प्रभु के वचन में सिर्फ मुक्ति या सिर्फ उद्धार नहीं
उसको एक और नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? शाश्वत जीवन। शाश्वत का मतलब क्या है? जो हमेशा रहेगा। एक और नाम है अनंत जीवन। अनंत का क्या मतलब है? जिसका कोई अंत नहीं है, आदि है लेकिन अंत नहीं है। तो प्रभु ने मुझे और आपको प्रभु यीशु के द्वारा ये जो जीवन दिया है, ये जीवन शाश्वत है, अनंत है। ये जो प्रश्न बार बार मेरे आपके मन में आता है, शास्त्री सर मेरे जीवन में गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं क्या करूं, कहीं वो शाश्वत जीवन खो तो नहीं जाएगा? नहीं, शाश्वत जीवन कभी भी खो नहीं जाएगा। शाश्वत जीवन शाश्वत है। तब आप कहेंगे कि अच्छा, तो यदि शाश्वत जीवन शाश्वत है तो मेरे जीवन में जो गलतियां आ जाती हैं, मनसा वाच्या कर्मणा, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये एक अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में प्रभु का वचन हमको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जवाब देता है। इसी नए नियम के या बाइबल के उत्तरार्ध के पेज 333 को खोल लीजिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, छठा पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय सातवां पद पढ़ लेते हैं, पेज 333 पर। यदि जैसे प्रभु ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से संगति रखते हैं और प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका क्या मतलब है? थोड़ी सी इसकी व्याख्या देता हूँ। मैंने आपको बताया था आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने सूली पर मेरे आपके पापों के लिए अपना बलिदान दिया। प्रभु ने इस तरह से अपना बलिदान सूली पर जो दिया, उस बलिदान के कारण हमें पापों की क्षमा मिली, हमको पापों से शुद्धि मिली। यहाँ प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु के वचन के कहने का मतलब यह है कि यदि संयोग से, ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रभु हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताएंगे, लेकिन मान लीजिए संयोग से हमसे कोई गलती हो गई, हमारे जीवन में कोई अशुद्धता आ गई, हमने कोई अपराध किया, तो फिर उसका हल क्या है? हल है प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का सूली पर का बलिदान हमको सब पापों से शुद्ध करता है। ओ, आप कहेंगे कि ये तो अद्भुत बात है, ये कैसे होगा? आगे के दो पदों में या तीन पदों में ये कैसे होगा इसका उत्तर दिया है, लेकिन उसके पहले आठवें पद में एक पृष्ठभूमि प्रभु के वचन में है, वो पृष्ठभूमि जरा देख लें। आठवें पद में हम देखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। प्रभु का वचन फिर से याद दिलाता है, देखो मेरे बच्चों, तुमको मैंने नया जीवन दिया, तुमको मैंने अपनी संतान बनाया, तुमको शाश्वत जीवन दिया, पाप से क्षमा दी, लेकिन तुम इस संसार में जीवन बिता रहे हो, इस संसार में तुम्हारे चारों तरफ तमाम बुराइयां हैं, वो बुराइयां तुमको आकर्षित करती है और कई बार तुम उसमें फंस जाते हो। यदि तुम इन सब बातों के बावजूद यदि तुम कहो कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसका क्या मतलब है? प्रभु का वचन साफ साफ याद दिलाता है कि हमें मुक्ति मिल गई, इसके बावजूद इस संसार का लोभ, इस संसार का आकर्षण हमको पापों की तरफ आकर्षित करता है और कई बार हम पाप में फंस जाते हैं। और प्रभु का वचन ये भी बताता है, मेरे प्रिय बच्चों, अपने आप को धोखा मत दो। मतलब धोखा मत दो का मतलब क्या है? ये ना सोचना कि तुम बड़े पवित्र हो, पवित्र जीवन बिताने के लिए तुम बुलाए गए हो, लेकिन जब तक इस संसार में हो तब तक मेरे बच्चों पाप में फंसते जाते हो, ऐसा होता है। लेकिन
उसका हल प्रभु का वचन अगले पद में देता है। अगले पद में हम क्या पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है? प्रभु के हर बच्चे को ये बात समझ लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस क्षण हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण प्रभु हमको मुक्ति भी देते हैं, पवित्रता भी देते हैं। लेकिन इस संसार की जो मोह माया है, इस संसार का जो आकर्षण है, वो हमको पापों की तरफ खींचता है और कई बार हम पापों में फंस जाते हैं। लेकिन यदि पाप में फंस जाए, प्रभु का वचन कहता है हम अपने पाप को मान लें। क्या मतलब? इसका मतलब है प्रभु के पास जाइए, प्रभु को बताइए, प्रभु आपने अपनी करुणा में मुझे क्षमा दी थी, एक नया जीवन दिया था, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक अयोग्य कार्य किया है, वो कार्य फलाना है, इसलिए प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि ऐसा हम करें तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस संसार में जो भी जीता है उसके जीवन में गलतियां आती हैं, गिरावट आती है, पाप आता है। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा होता है, लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हम जाकर प्रभु के पास जाकर क्षमा मांगे, प्रभु हमको क्षमा प्रदान करेंगे। आज प्रभु के वचन से हमने जो महत्वपूर्ण बात देखी उसका सारांश मैं फिर से आपके सामने रख दूं। हमने प्रभु के वचन से इस प्रश्न का उत्तर देखने की कोशिश की थी कि प्रभु ने हमको नया जीवन दिया, पाप क्षमा दी, लेकिन जब हम पापों में फिर से फंस जाते हैं, फंसना नहीं चाहिए लेकिन इस संसार के आकर्षण के कारण यदि फंस गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु हमको निकाल कर बाहर कर दे कि जाओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यूहन्ना 6 अध्याय में हमने पढ़ा था, जो मेरे पास आता है मैं उसको कभी नहीं निकालूँगा, जो मेरा है वो कभी खो नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है तो वो मुक्ति सदा सर्वदा के लिए है, शाश्वत है, अनंत है। हाँ, आपको शाश्वत और अनंत जीवन मिला है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि हर दिन हर क्षण अपने आप को जांचें, परखें और ये देखें कि आपके जीवन में जाने अनजाने कोई पाप, कोई गिरावट, कोई अपराध तो नहीं आ गया है। और यदि आ गया है तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9वें पद के अनुसार क्षमा मांगिए, तुरंत आपको क्षमा प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से क्षमा प्राप्ति के साथ आप जीवन बिताएं। प्रभु जब कोई चीज़ देते हैं तो मनुष्य के हिसाब से नहीं देते हैं। मनुष्य जब देता है तो उसके साथ तमाम शर्त लगाता है। सरकार राशन कार्ड देती है, शर्त लगाती है, गैस का कनेक्शन देती है, शर्त लगा देते हैं, मोबाइल कंपनी आपको मोबाइल कनेक्शन देती है, शर्त लगाती है। प्रभु जब आपको देते हैं तब प्रभु आपको सदा सर्वदा के लिए देते हैं, लेकिन प्रभु एक आपसे उम्मीद रखते हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि देखो मैंने दिया है कल को छीन लूंगा, नहीं। प्रभु कहते हैं मैंने तुमको दिया है सदा सर्वदा के लिए दिया है, लेकिन तुमसे एक उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या है? तुम अब मेरे बच्चे हो, और चूंकि अब तुम मेरी संतान हो इस कारण ऐसा जीवन जियो जो मेरी संतान के उपयुक्त हो। संसार में जब 4 लोग तुमको देखें तब उनको लगे कि हाँ ये व्यक्ति वाकई में प्रभु की संतान है। जब आपको देखें तब आपके जीवन के द्वारा आपके प्रभु को जान सकें।
ये है प्रभु की उम्मीद, और उसके लिए प्रभु ने एक रास्ता रखा है। रास्ता क्या है? कोई गलती हो जाए, कोई गिरावट आ जाए, कोई अपराध हो जाए, तो जाकर प्रभु से माफ़ी मांगे। ऐसा ही तो हम अपने बच्चों से करते हैं। मनुष्य कई बार अपने बच्चों को अपने परिवार से बेदखल कर देता है। ऐसे घटनाओं को छोड़ दीजिए, लेकिन सामान्य परिवार में क्या होता है, जब बच्चा गलती करता है पिता उसको सजा देते हैं। सजा देने के बाद आप उसको घर से बाहर कर देते हैं क्या? जी नहीं, वो आपका बच्चा रहता है, वो आपसे माफ़ी मांगता है। खासकर यदि आपने उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया हो, आपने उसको अच्छी ट्रेनिंग दी हो, तो वो बाकायदा जब उसको लगेगा कि मैंने गलती की, आपसे क्षमा मांगेगा। ज़रूरत पड़ने पर आपके पैर छूकर क्षमा मांगेगा। वो आपको यकीन दिलाएगा कि आइंदा ये गलती मेरे जीवन में नहीं होगी। यही हमारे आत्मिक पिता हमसे चाहते हैं। हमारे सांसारिक पिता जब चाहते हैं कि हम गलती से क्षमा मांग के उससे मुंह मोड़ के पिता के पास जाएं, परिवार के अंग रहें, हमारे आत्मिक पिता ने परिवार का अंगत्व, हमें हमेशा हमेशा के लिए परिवार का अंग बनाया है। बस इतना उम्मीद करते हैं कि जीवन में कोई गलती हो जाए तो जाकर क्षमा मांगिए, क्षमा प्राप्त कीजिए और पवित्र जीवन बिताइए। आज जितने भाई बहन यहाँ हैं, उनमें से जितने लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु उन सबको ये एक बार और जानने के लिए प्रभु उनकी मदद करें कि प्रभु ने उनको जो वरदान दिया है वो शाश्वत है, वो अनंत है, वो कभी उनसे छीना नहीं जाएगा। लेकिन प्रभु उनकी मदद करें कि इस नए जीवन के अनुसार जो पवित्रता है वो आपके जीवनों में, मेरे जीवनों में दिख सके। आज संध्या को यदि इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो उनसे मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जो भी इस संसार में आया है उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो जिसने सब त्याग दिया है, चाहे कंगाल हो, जो भी यहाँ से जाएगा उसको प्रभु के सामने खड़े होना पड़ेगा। पवित्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, कोई भी व्यक्ति इस न्याय से बच नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उसके लिए रास्ता खोला है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है वो इस न्याय से बचेगा। आप कहेंगे कैसे बचेगा? इसलिए कि मेरे आपके पापों की सजा प्रभु ने सूली पर अपने ऊपर उठा ली थी, और जब हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तब प्रभु ने मेरे आपके लिए वो जो सजा सही थी उसके कारण प्रभु हमको मुक्ति देते हैं, पापों से मुक्ति देते हैं, पाप की सजा से मुक्ति देते हैं, अनंत जीवन देते हैं, शाश्वत जीवन देते हैं। आज इस सभा में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, भाई या बहन है, जिसने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो मेरा अनुरोध है कि इस सभा से, इस हॉल से बाहर जाने से पहले प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लें। यदि आप इस बात के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो सभा के बाद आइए, मुझसे बात कीजिए, मैं सारी बातें आपको विस्तार से समझाऊंगा। एक बार और प्रभु ने इस तरह से मदद की है, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रार्थना के साथ आज शाम की सभा को हम समाप्त करेंगे। भाई संतोष आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करके इस सभा को समाप्त करेंगे।